बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है गाइस? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको लेके जा रहे हैं साइमा अरबियन विलास से नॉर्थ टाउन फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6। इस वीडियो में हम आपको ये सारे फेज़ दिखाएंगे। और साइमा अरबियन विलास के बिल्कुल बराबर में लेफ़्ट साइड पे फेज़ 1 है, जो कि हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखें। ओके जी, आगे चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी। तो साइमा अरबियन विलास से 3.5 किलोमीटर के फासले पर हमदर्द वाले रोड पर रूह अफज़ा फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही नॉर्थ टाउन फेज़ 2 है। और नॉर्थ टाउन फेज़ 2 के बिल्कुल जस्ट अपोजिट रोड क्रॉस करके सामने की तरफ फेज़ 3 है। बाकी फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 नॉर्थ टाउन फेज़ 2 के बिल्कुल पीछे की तरफ हैं, जो कि अभी आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो फेज़ 2 में अभी तक जो प्लॉट है वो तकरीबन 36 लाख रुपए का है, लेकिन बुकिंग पर नहीं है अब, क्योंकि उसकी बुकिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है। तो रीसेल के अंदर आपको मिल सकता है ये प्लॉट। ये ब्लॉक, ये फेज़ 2 है, ये बिल्कुल मेन रोड के साथ है और इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो सामने की तरफ है वो फेज़ 3 है। फेज़ 2 में अभी तक कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है, सेम वैसे ही है जैसा हमने आपको 6 महीने पहले दिखाया था। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ लैंड पे खम्भे लगे हुए हैं और रोड की डिमार्केशन हो गई है यहाँ रोड्स की ना फेज़ 2 में। कलर का जो झील है, मतलब टेपर में उतर रहा है, आगे बाउंड्री लगी हुई है, मशीन भी खड़ी हुई है। जी जी जी, ये ब्लॉक 5 एक्सटेंशन है हमारा। ब्लॉक 6 इसी के जस्ट पीछे, ब्लॉक 2 एक्सटेंशन के बाद गाड़ियाँ हैं। जी जी, ब्लॉक 5 है मेन हमारा। अच्छा, तो ये करीब ही है, अभी पीछे बिल्कुल साथ ही है। जी जी, एक टाइप अप डाउन है। क्रॉस वाले रूट से। अच्छा, ये पीछे क्रॉस करके कहाँ चले आया सरगानी? जी हाँ, ये फ्यूचर जो है, जैसे अभी आप इतना लंबा ट्रैवल करके आए। जी जी, ये फ्यूचर आप सरजानी फोर के से स्ट्रेट आएंगे, जैसे अभी फोर के से आप लेफ्ट टर्न हो गए, आप स्ट्रेट चले हैं फोर के से ना, केडिया फ्लैट्स वगैरह आएंगे, उसको क्रॉस करके अब्दुल्ला मोड़ आएगा। जी जी, ग्रीन लाइन का जो आप क्या नाम है स्टॉप है मेन, उसके जस्ट ऑपोजिट ही ये क्या नाम है रोड आ रहा है हमारा, गुलशन शहराज वाला। अच्छा 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 अच्छा, निकलता है ये रोड वही जा रहा है, शहराज जा रहा है। अच्छा अच्छा, सारा ब्लॉक 180 गज की लैंड है। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो है ना हमारा लिंग रोड है, यहाँ से स्टेडियम स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा, ये काम खत्म करके अपने चले आएंगे आगे क्रश वाले। हाँ जी हाँ, ये अपना पेंडिंग काम खत्म करके जैसे ही यहाँ से मूव होंगे, हमारे इंजीनियर यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करेगा। वहां से हिल तक जो है हमारा ब्लॉक 6 होगा और ये सारा ब्लॉक 1 चल रहा है। ये ब्लॉक 1 पीछे से आ रहा है ना, मेन एंट्रेंस से इस हिल तक जो है हमारा ब्लॉक 1 है। ये आगे ट्री लगे हुए, ये बोलान ब्लॉक है हमारा। अच्छा, बोलान बोल्ड, बोलान बोल्ड रोड। अच्छा, वो रोड पर है तो ये खाली बोलान ही है, ये पहला है जिसका बोल्ड हुआ है। अच्छा, लिंक रोड पर कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आने लगे होंगे सोसाइटी के अपने। हाँ, अपने नाम से गेट लगे होंगे ये हमारे पीछे, हमारे और फेस वन के बीच में जो है ना डिस्टेंस है, बीच में साइमा भी है, ए से भी जी, है। जी जी, और रेंजेस भी आता है ना साइमा बीच में। तो अब देखें सर, ये हम लोगों ने
इस रूम से लेके ये सामने बाउंड्री लगी हुई नजर आ रही है कॉन्क्रीट की, वो यहाँ तक वर्किंग कर दी, अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सारा ब्लॉक 6 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जो भी न्यू हुआ। और ऑपोजिट आपके ये बोलान ब्लॉक है, वो प्रीकास्ट बाउंड्री दिख रही है आपको, वो वाली सामने आ गई। हाँ, मिड हाई टेंशन के नीचे जो है ब्लॉक 4 है हमारा, इसी के जस्ट बराबर में साइमा रेंजेस आ रहा है। और ये बड़ा वाला हिल, ये साइमा, हम लोग और गवर्नमेंट मिलकर ये पहाड़ कटवाएंगे, काटेंगे, डिमोलिश होगा ये, इसमें से एंट्रेंस निकलेगा, एक साइमा का निकलेगा, एक हमारा निकलेगा। सही सही ठीक शुक्रिया। कितना किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से हम बैठे हैं यहाँ तक? यार ये मैक्सिमम आधा किलोमीटर भी नहीं है, सीधा हो जाएगा। अगर होगा भी तो उस रोड से इस तरफ पूरा पूरा 1 किलोमीटर, अगर ये कार्पेटिंग के बाद अगर हम लोग इसका डिस्टेंस चेक करते हैं तो 1 किलोमीटर होगा या 1.25 किलो। जी गाइस, तो आपने देखा कि हमने आपको नॉर्थ टाउन फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 और फेज 6 की जो है वीडियो दिखाई है और डिटेल बताई है। तो बस ये है कि अभी यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लेड फेर रहे हैं लोग, यानी कि अभी कोई डेवलपमेंट का काम बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं हुआ है, ना सीवरेज, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कुछ नहीं है। अभी तकरीबन यहाँ पर 8-10 साल तक का तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। बाकी आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट्स करें, हमें कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आप तक हर मालूमात पहुँचाएँगे। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इन सब के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।